अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फिज़िक्स टीचर हूँ। तो स्टूडेंट, हम अपने सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 20, जिसका नाम था अटामिक स्पेक्ट्रा, मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, इसको स्टडी करते आ रहे थे अब तक। तो हमने अपने जो प्रीवियस अपना लेक्चर या अपनी प्रीवियस वीडियो जो हमने देखी या बनाई थी, उसमें हमने पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ एक्स रेज, कि एक्स रेज की प्रॉपर्टीज़ और एक्स रेज के जो यूजेस आ रहे थे हमारे पास, उनको हमने कैटराइज किया था कि एक्स रेज अगर हमने लेना हो तो कैसे लेते हैं। उसके बाद एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक्स रेज की आ रही थी, जिसको हमने कैट स्कैनर या इन अदर वर्ड्स इन आवर डेली लाइफ हम उसका नाम देते हैं सीटी स्कैन का, ठीक है, कि सीटी स्कैन क्या होता है, किस तरह किसी भी पेशेंट का लिया जाता है, इसके मतलब हमने डिटेल्ड उसके अंदर एक्सप्लेनेशन की, ठीक है, डिस्कशन की। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो आप एक्सरेज करवाते हैं उनके कोई ना कोई बायोलॉजिकल अफेक्ट भी जरूर होते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल अफेक्ट क्या होते थे और इसके मतलब भी हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ लिया था। अब स्टूडेंट, जो अब हम अपनी आज की ये वाली वीडियो में जो टॉपिक प्रेजेंट करने जा रहे हैं, जो हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे इस वीडियो के अंदर, उसका नाम है अनसर्टेनिटी विद द एटम। क्या नाम है? अनसर्टेनिटी विद इन द एटम, के एटम के अंदर जो अनसर्टेनिटी होती है वो क्या होती है, इसके मतलब अब हम आज इस वाली वीडियो में स्टडी करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। कहते हैं कि ड्यू टू ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल, चूंकि पार्टिकल के ड्यूअल नेचर है, उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी एक्यूरेसी में लिमिटेशंस आ जाती है, ठीक है, पार्टिकल के ड्यूअल नेचर होने की वजह से क्या होता है कि उसकी एक्यूरेसी में कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ पोजिशन एंड प्रोडक्ट ऑफ पार्टिकल, कि जब भी आपने पार्टिकल का पार्टिकल की पोजीशन या पार्टिकल का मोमेंटम मेजर करना हो तो उनके रिजल्ट की एक्यूरेसी में क्या आ जाता है, लिमिटेशन आ जाती है। तो ये बात मैं यहां लिखना भी चाहूंगा। कहते हैं ड्यू टू ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल There will be some limitations in accuracy for measurement of पोजीशन को मेजर करने के लिए एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि जब भी आपने किसी पार्टिकल का मोमेंटम या उसकी पोजीशन कैलकुलेट करनी हो, उसकी पोजीशन को मेजर करना हो, तो क्या होता है उसके जो मेजरमेंट में सम क्या आ जाता है, लिमिटेशन आ जाती है, मेजरमेंट की एक्यूरेसी में कुछ लिमिटेशन आ सकती हैं। और ये आपके पास जो लिमिटेशन आ रही हैं वो आ किस वजह से रही हैं, वो आ रही हैं ड्यू टू ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के ड्यूअल नेचर की वजह से, पार्टिकल के आपके पास ड्यूअल नेचर है, इसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास जो आपने पार्टिकल की पोजीशन ली होती है, जो मोमेंटम लिया होता है, उसकी मेजरमेंट की एक्यूरेसी में लिमिटेशंस आ जाती हैं। तो ये था हमारे पास इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। फिर कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू हाइजनबर्ग, अगर हम हाइजनबर्ग के अकॉर्डिंग देखें तो उसने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू हाइजनबर्ग के मुताबिक क्या था, कहते हैं the product of uncertainty and momentum is the order of Planck's constant, ठीक है।
कहते हैं कि जब आप प्रोडक्ट लेते हैं किस किस का, पोजीशन का एंड मोमेंटम का, तो वो किसके अकॉर्डिंग्स होते हैं, प्लैंक्स के कांस्टेंट के, ठीक है। अगर हम इसको मैथमेटिकल लिखना चाहें तो ये तो डेफिनेशन या डिफाइन किया था हाइजेनबर्ग ने। हाइजेनबर्ग का कहता था द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, के पोजिशन के अंदर अनसर्टेनिटी और प्रोडक्ट आपने लेना है किसका, पोजीशन के एंड मोमेंटम का, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम, मोमेंटम के और पोजीशन के प्रोडक्ट में जो अनसर्टेनिटी होती है वो क्या होता है, इन ऑर्डर टू या इज द ऑर्डर ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, तो वो प्लैंक्स कांस्टेंट के ऑर्डर में होती है। मिसाल के तौर पर मैथमेटिकल देखें तो अब हम रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंटम को डेल पी के साथ, पोजीशन को रिप्रेजेंट कर देते हैं डेल एक्स के साथ, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम एंड प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन। तो कहते हैं ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू होता है h ओवर 2 पाई के, ठीक है, ये बराबर होता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू होता है h ओवर 2 पाई के। तो ये जो स्टूडेंट हमने h ओवर 2 पाई पढ़ा था ये बराबर होता है h काट की। अब आप ये अप्रॉक्सीमेटली ये वाली टर्म इक्वल होगी h काट के, आप लिखेंगे डेल p इंटू डेल x अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू h काट के, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये कहते थे द अनसर्टेनिटी इज मोर सिग्निफिकेंट विद इन द एटम, कि एटम में जो सिग्निफिकेंट, जो एटम में जो अनसर्टेनिटी होती है वो मोर सिग्निफिकेंट होती है। तो मैं लिखना चाहूंगा, कहते हैं द अनसर्टेनिटी इज मोर सिग्निफिकेंट विद इन द एटम, कि एटम के अंदर जो अनसर्टेनिटी होती है वो बहुत सिग्निफिकेंट होती है विद इन द एटम, ठीक होगा स्टूडेंट। ये था हमारे पास अनसर्टेनिटी विद इन द एटम, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। फिर अगर इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन की तरफ अगर हम बढ़ें तो कहते हैं कि आप हमें ये बताएं, ये मालूम करें, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है क्या वो न्यूक्लियस के अंदर, एटम के न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है या नहीं, या आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है या नहीं होता, ठीक है, ये हमने बात प्रूव करनी है, ठीक है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है तो हमने इस बात का आंसर करना है अपने फर्दर एक्सप्लेनेशन में, ठीक है स्टूडेंट। कहते हैं डज इलेक्ट्रॉन रिजाइड इन द न्यूक्लियस, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या, क्वेश्चन बोर्ड में भी आपके आ सकता है, पेपर में भी आ सकता है, कि बताएं डज द इलेक्ट्रॉन रिजाइड इन द न्यूक्लियस, तो इसका आपने आंसर देना है। अगर हम सिंपल बात करें, ठीक है, वैसे ही डायरेक्ट आंसर देना चाहें तो इसका हम आंसर ये बताएंगे कि नो, एन इलेक्ट्रॉन कैनॉट रिजाइड इन द न्यूक्लियस, ठीक है, क्यों नहीं रह सकता, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। अगर हम लिखना चाहें, कहते हैं अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एन इलेक्ट्रॉन कैनॉट रिजाइड इन द न्यूक्लियस। ओके स्टूडेंट, ये था हमारे पास, अगर हम सिंपल इसका आंसर करना चाहें तो इसका आंसर ये हमें बताया जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, हम ब्रीफली एक्सप्लेन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसके मुताबिक ये जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर लाई नहीं कर सकता, ठीक है, उसके अंदर रिजाइड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस का हमारे पास जो साइज होता है स्टूडेंट वो होता है हमारे पास 10^-14, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर रिजाइड करना हो तो इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करना पड़ेगा विद द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, कि जितनी इलेक्ट्रॉन जितनी लाइट की स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन को भी उतनी स्पीड के साथ मूव करना पड़ेगा।
जो कि प्रैक्टिकली या फिजिकली नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव ही नहीं कर सकता, तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर भी रिजाइड नहीं कर सकेगा, ठीक है। आगे इसको मैथमेटिकली प्रूव किया गया है, उसके मुतालिक हम देखते हैं। कहते हैं द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन 10^-14 मीटर, जो मैंने अभी लिखा। कहते हैं दस फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू बी कन्फाइंड विद द न्यूक्लियस, ठीक हो गया। कहते हैं द अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन विल बी द ऑर्डर ऑफ 10^-14। अनसर्टेनिटी इन पोजिशन कि जो आपके पास पोजिशन में अनसर्टेनिटी आ जाए उसकी वैल्यू भी दी हुई है। अनसर्टेनिटी इन पोजिशन इज इक्वल टू 10^-14, ठीक हो गया स्टूडेंट। फिर क्या करना है, एन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल पी, कि जो मोमेंटम के अंदर अनसर्टेनिटी थी वो क्या आ गई आपके पास, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, वो आपके पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल पी के साथ, ठीक है। अब अगर हमने जो फार्मूला आपने पीछे रेज कर दिया उधर दोबारा उसको फॉलो करें, तो क्या हमने पढ़ा था कि जो आपके पास डेल पी इंटू डेल एक्स वो ग्रेटर दैन आर इक्वल टू आ रहा था 2h/2π के, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम एंड प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन, ये किसके बराबर आ रहा था, h/∆x के। अब पोजिशन तो उन्होंने हमें बता दी हुई है कि जो पोजिशन की वैल्यू उन्होंने कह दी वो हमारे पास आ रही है 10^-14। अब आपने क्या करना है कि मोमेंटम को कैलकुलेट करना है, तो ये इधर से ये वाली टर्म हम क्या करेंगे, इधर से रिरेज कर देंगे, तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा मोमेंटम का। तो मोमेंटम आपके पास आ जाएगा डेल पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू h/2π। तो स्टूडेंट हमने क्या करना है, आपने क्या करना है, इधर 2π की जगह आप डेल एक्स हमने क्या किया इधर से रेज करके आपने इधर ले आना है। यहां अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल, जो हम मैथमेटिकल रूल पढ़ते आ रहे थे कि अगर आपके पास एक साइड पर एक टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ जाकर उसको क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो आपके पास जो फार्मूला बनेगा ये हमने एच को खाली एच नहीं कहना, एच कट कहना है, ठीक है, क्योंकि हम इसकी वैल्यू पढ़ चुके थे पीछे वाले फार्मूलाज में। तो आपके पास जो मोमेंटम आएगा, मोमेंटम आ रहा है ग्रेटर देन आर इक्वल टू h/∆x, ठीक हो गया। अब एच आपको पता है क्या चीज है, एच आपके पास आ रहा है प्लैंक्स कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं जो कि होती है 6.63 × 10^-34। तो ये वैल्यू आपको जुबानी तौर पर याद होनी चाहिए, क्योंकि हमने जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था उसके न्यूमेरिकल्स में तकरीबन हर एक न्यूमेरिकल में ये वैल्यू यूज हो रही थी। अब आपने क्या करना है, इसकी जगह इनकी वैल्यूज को पुट कर दे, तो डेल पी आपके पास आ जाएगा एच की जगह इसकी वैल्यू 6.63 × 10^-34 डिवाइडेड बाय डेल एक्स, आपके पास आ रहा था ये वैल्यू दी हुई थी 10^-14, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब अगर आपको इसको कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करें तो आपके पास जो आंसर आएगा 6.63 × 10^-20 6.63 × 10^-20, ठीक हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक हो गया, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी डेल पी की। तो ये कह रहे हैं कि अब आपके पास अगर क्या करें, ये तो इक्वेशन का साइन नहीं है, ठीक है, ये ग्रेटर देन आर इक्वल आ रहा है, तो अगर आप इसको इक्वालिटी में चेंज करें तो आप कर सकते हैं, आप लिखेंगे डेल पी इज इक्वल टू 6.63 × 10^-20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट, तो अब क्या करें आप, आपने क्या करना है, इधर से मोमेंटम आपको पता है किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम। तो आप क्या करेंगे, अब डेल पी की जगह मोमेंटम की वैल्यू पुट कर देंगे, तो मोमेंटम हमारे पास होता है एम डेल वी इज इक्वल टू 6.63 × 10^-20, ठीक है स्टूडेंट। तो अब बात हम कर रहे थे इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन के लिए इधर जो एम हमारे पास आ रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो अब आप क्या करेंगे, आप अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि जो स्पीड थी इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन है वो किस स्पीड के साथ ट्रेवल करता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर आप दूसरी तरफ ले आएंगे तो क्या होगा, आपके पास ये डिवाइड हो जाएगा। आप क्या करेंगे, इधर डेल वी का अगर आप आंसर निकालें तो आपके पास आ जाएगा 6.63 × 10^
6.63 into 10 की पावर माइनस 20 डिवाइडेड बाय m, ठीक हो गया। तो m का भी हमें वैल्यू पता है कि जो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, हम इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 6.63 into 10 की पावर माइनस 20 डिवाइडेड बाय 9.1 into 10 की पावर माइनस 31, ठीक हो गया। ये आपके पास वैल्यू होती है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो आपको अगर इसको भी पुट करके अगर आप कैलकुलेशन निकालेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है जो डेल वी है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू आता है 7.3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके पास आ रहा था स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन के, जो इलेक्ट्रॉन आपके पास है वो किस स्पीड के साथ मूव कर रहा है। तो हमने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर रिसाइड करे या लाई करे, तो उसके लिए एक कंपल्सरी चीज ये है कि उसकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। जो आपके पास इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होनी चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये बात पॉसिबल नहीं है। इस वजह से क्या होता है कि जो आपका न्यूक्लियस होता है वो भी आपके पास जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो भी न्यूक्लियस के अंदर लाई नहीं करता। अब जो हमारे पास स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन आई थी वो तो ये आ रही है 7.3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कहते हैं अगर रिजल्ट देखना चाहे इसका तो कहते हैं Thus, if the electron is to be confined to the nucleus, के जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर लाई नहीं कर सकता, its speed would be greater than the speed of light, के इसकी जो speed है speed of light से भी ज्यादा होनी चाहिए, which is not possible, जो कि ये बात possible ही नहीं है। So the electron cannot reside in the nucleus, के जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर रिजाइड नहीं कर सकता, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर। कहते हैं कि does the electron reside in the nucleus, कि जो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर रिजाइड कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो इसका आंसर हमने दिया था नहीं कर सकता। और विद मैथमेटिकल प्रूफ हमने ये साबित कर दिया कि जो हमने बात की थी कि वो अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक न्यूक्लियस के अंदर लाई नहीं करता इलेक्ट्रॉन, तो मैथमेटिकल भी प्रूफ दे दिया कि ये वाकई ही नहीं लाई कर सकता, ठीक है। क्योंकि इसकी जो अगर स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से ग्रेटर होनी चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि इस कायनात के अंदर जो अगर हम सबसे ज्यादा स्पीड अगर किसी की है तो वो सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट से ग्रेटर देन किसी की भी स्पीड आज तक ड्राइव नहीं हो सकी, दरियाफ्त नहीं हो सकी, ठीक है। अगर स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा कोई चीज तेजी से ट्रेवल ही नहीं कर सकती तो इलेक्ट्रॉन कैसे करेगा, ठीक है। इसकी ये वजह आ जाती है कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर रिजाइड नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक तो हमारे पास ये क्वेश्चन पूछा गया, फर्दर आगे जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है उसकी तरफ भी देख लेते हैं। एक तरफ कहते हैं कि आपके पास अब बताएं डज इलेक्ट्रॉन रिजाइड इन द एटम, कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो एटम के अंदर आ सकता है कि नहीं आ सकता, अब आपने ये बताना है। डज द इलेक्ट्रॉन डज द इलेक्ट्रॉन रिजाइड्स इन द एटम, कि एटम के अंदर वो इलेक्ट्रॉन आ सकता है कि नहीं आ सकता, अब आपने इसके मतलब इंफॉर्मेशन देनी है। डज द इलेक्ट्रॉन रिजाइड इन द एटम, ठीक है। कहते हैं नाउ टू चेक वेदर इट रिजाइड इनसाइड द एटम वी कंसीडर अ हाइड्रोजन एटम हुज रेडियस इज अबाउट 5 × 10⁻¹⁰ मीटर। कहते हैं कंसीडर अ हाइड्रोजन एटम consider a hydrogen atom whose radius is about 5 × 10⁻¹⁰ meter। ये इसका radius बताया जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट। ये आपके पास हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियर रेडियस बताया जा रहा है, ठीक है। रेडियस कह रहे हैं वो किसके बराबर आ रहा है 5 × 10⁻¹⁰ मीटर के। अब आपने क्या करना है, बाय अप्लाइंग हाइजनबर्ग
प्रिंसिपल, फिर से वही बात कि आपने हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल को यूज करते हुए, उसको यूटिलाइज करते हुए आपने फिर से क्या करना है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना है, ठीक है, फॉर एटम, कि एटम के लिए वो रिजाइड कर सकता है या नहीं कर सकता। कहते हैं अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, जो क्या आ रहा था आपके पास, हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल कहता है कि जो प्रोडक्ट होता है किसका, मोमेंटम का, और वो साथ होता है पोजीशन का, वो ग्रेटर देन और इक्वल होता है h ओवर 2 पाई के। तो आप क्या करें, इस फार्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज करें, आप लिखें डेल पी इट्स इक्वल टू h ओवर 2 पाई का, स्टूडेंट हमने लिखा था कि जो h ओवर 2 पाई है वो आपके पास बराबर होता है h कट के, ठीक है। तो अब आप क्या लिखेंगे, h ओवर 2 पाई की जगह h कट लिखेंगे, ठीक है, h कट ओवर डेल x इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डेल आपके पास वो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा डेल x। फिर एक और बात कि हमें पता है कि आपके पास ये हमारे पास जो जो ये जो डेल पी है, डेल पी रिप्रेजेंट कर रहा है मोमेंटम को, तो जब हम बात करते हैं मोमेंटम की, तो स्टूडेंट मोमेंटम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मैस इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी और मैस का अगर आप प्रोडक्ट ले लें तो आपके पास आ जाता है डेल पी। तो डेल पी आपके पास क्या आ जाएगा, एम इंटू डेल वी इज इक्वल टू एच ओवर डेल एक्स, ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, के वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है फिर से, चूंकि हमने वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है, तो आपके पास m वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड m डेल x, ये आपके पास आ जाएगा वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। अब सिंपल आपने फिर से क्या कर देना है, इनकी वैल्यूज को इस फार्मूले के अंदर पुट करें, डेल v हमने कैलकुलेट करना है एज इट इज आ गया, h पता है हमें वो बराबर होता है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 और डिवाइडेड बाय मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 मल्टीप्लाई बाय मैस, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी पोजीशन आपके पास आ रही थी, अब आपके पास जो पोजीशन आ रही है वो ये वाली उन्होंने दी हुई है जो वो आएगी, ठीक है, 5 इंटू 10 की पावर -11। तो अगर आप इनको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व आउट करेंगे, इनको कैलकुलेट करेंगे सारी वैल्यूज को, तो आपके पास जो आंसर आएगा 1.46 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड, ठीक है, डेल वी आपके पास ये जो वैल्यू आ रही है फॉर इलेक्ट्रॉन हु कैन रिजाइड इन द एटम, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एटम में मूव करने के लिए। फिर कहते हैं अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट क्या निकलेगा इसका, अगर हम रिजल्ट की बात करें तो क्या निकलता है, कहते हैं एज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट सो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इनसाइड एटम बट आउटसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, उसकी जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन की स्पीड ऑफ लाइट से कम आ रही है, लेस देन आ रही है, इस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कैन रिजाइड इनसाइड द एटम बट आउटसाइड Inside the atom, but outside the nucleus. ठीक हो गया स्टूडेंट, ये तुम्हारे पास दोनों रिजल्ट, एक हमने बात की, सबसे पहले हमने बात की कि जो अनसर्टेनिटी होती है वो होती है कि एटम के अंदर, वो हमने कहा कि जो ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल होता है, पार्टिकल के ड्यूल नेचर की वजह से मोमेंटम और पोजिशन के जो आप मेजरमेंट लेते हैं उनकी एक्यूरेसी में लिमिटेशन आ जाती हैं, ये बात होगी।
फिर हमने पढ़ा कि क्वेश्चन पूछा गया कि क्या बताएं आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर रिजाइड कर सकता है या नहीं कर सकता। हमने ऐसे भी आंसर दिया अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर रिजाइड नहीं कर सकता, ठीक है। मैथमेटिकल भी उसका प्रूफ दिया, और मेन वजह जो ये थी कि अगर एटम इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस के अंदर रिजाइड करना है तो उसको स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा फास्टर मूव करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ये बात हो गई। फिर दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि क्या आप अब ये बताएं कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो एटम के अंदर रिजाइड कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो इसका भी मैथमेटिकल प्रूफ देकर हमने बताया कि जी आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एटम के अंदर तो रिजाइड कर सकता है, बट आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर और एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर सकता है। क्योंकि जब हम एटम की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की एटम के लिए, तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड आती है वो लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट होती है, ठीक है, वो स्पीड ऑफ लाइट से कम आती है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये पॉसिबल है चीज बात, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एटम के अंदर रिजाइड कर सकता है। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास एक टॉपिक जिसका नाम था अनसर्टेनिटी विद इन द एटम, कि एटम में जो अनसर्टेनिटी आ रही थी उसको हमने ड्राइव एक्सप्लेन कर लिया सारा कुछ। तो फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।